टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप गाइज आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मार्स का न्यूली लॉन्च्ड हाई टॉप मस्कारा का रिव्यू। सो गाइज मार्स ने इसे रिसेंटली लॉन्च किया है और मैंने इसे परचेज किया है फ्लिपकार्ट से। यहाँ पर आप इसकी आउटर पैकेजिंग देख सकते हैं, ब्लैक और व्हाइट कलर की इसकी आउटर पैकेजिंग है और यहाँ पर मेंशन है मार्स हाई टॉप मस्कारा। और अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो इसका प्राइस है 229, बट मैंने इसे फ्लिपकार्ट से परचेज किया है तो वहां से ये मुझे डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल गया था और मैंने इसके लिए पे किए हैं 199 रुपीज। और गाइज अगर इसकी शेल्फ लाइफ की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 3 इयर्स की शेल्फ लाइफ मिलती है और इसके अंदर आपको 10 ml ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन कर रखा है कि ये आपकी जो लैशेस हैं उनको लेंथ भी देगा, उनको क्लम्प इफेक्ट भी नहीं देगा और वॉल्यूम भी प्रोवाइड करेगा। इन सारे क्लेम्स के बारे में हम बात करेंगे एप्लीकेशन पार्ट में, बट उससे पहले इसकी पैकेजिंग की बात कर ली जाए। एक्चुअल बॉटल की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की बहुत ही खूबसूरत ये इसकी आउटर पैकेजिंग है। हल्का सा आप जब इसे टिल्ट करते हो, घुमाते हो तो बहुत ही खूबसूरत एक इफेक्ट आता है। और गाइस अगर आपको मैं इसका एप्लीकेटर दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत फैटी सा एप्लीकेटर नहीं है, बहुत ही स्लिम सा ये एप्लीकेटर है जो बीच में से थोड़ा सा स्लिम है और बाहर की तरफ से थोड़ा सा फैटी है। यहाँ पर आप इसके छोटे छोटे से ब्रिसल्स देख सकते हैं, बहुत ही टाइनी टाइनी से ब्रिसल्स हैं जो कि आपके जो लैशेस हैं उनको सेपरेट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सो गाइज आज की ये जो वीडियो है ये इस पर्टिकुलर मस्कारे की रिव्यू वीडियो तो है ही, बट उसके साथ साथ जो मार्स का कल्ट फेवरेट फैबुलैश मस्कारा है उसके साथ इस पर्टिकुलर मस्कारा को मैं वर्सेस भी करने वाली हूँ। मस्कारे का हम वाटर टेस्ट भी करेंगे, ऑल दो इन्होंने अपनी पैकेजिंग पर कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि ये वाटर रेजिस्टेंट है या वाटर प्रूफ, बट फिर भी हम एक बार वाटर टेस्ट जरूर करेंगे। आज हम मार्स के इन दोनों मस्काराज को टेस्ट करने वाले हैं। मैं अपनी राइट आई पर मार्स का ये जो फैब्यूलैश मस्कारा है जो कि मेरा फेवरेट है और मैंने इसकी ऑलमोस्ट 3 बॉटल्स फिनिश कर दी हैं, इसको अप्लाई करने वाली हूँ। मैं अपनी लेफ्ट आई पर मार्स का हाई टॉप मस्कारा अप्लाई करने वाली हूँ। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी आईज पर बिल्कुल भी मस्कारा अप्लाई नहीं किया है। सो सबसे पहले हम अपनी राइट आई पर फैब्यूलैश मस्कारा अप्लाई करते हैं और जो थोड़ा सा एक्सेस प्रोडक्ट है उसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। आपके लैशेस को वॉल्यूम भी देता है, उसके साथ साथ लेंथ भी प्रोवाइड करता है जैसा कि आप देख सकते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं कि फैब्यूलैश जो मस्कारा है ऐसा लगता है मेरी लैशेस पर। और अब हम अपनी लेफ्ट आई पर ये जो मार्स का न्यूली लॉन्च्ड हाई टॉप मस्कारा है इसे अप्लाई करने वाले हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों आईज पर मस्कारा अप्लाई कर लिया है और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने मार्स का न्यूली लॉन्च्ड हाई टॉप मस्कारा अप्लाई किया है। और अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का इफेक्ट आता है इसे यूज करने के बाद। और ये है मार्स का फैब्यूलैश मस्कारा। सो गाइज अगर बात करें वॉल्यूम की तो आप देख सकते हैं कि क्लियरली जो मार्स का फैब्यूलैश मस्कारा है उसमें आपको लेंथ भी मिल रही है और उसके साथ साथ आपकी जो पलके हैं, आपकी जो आई लैशेज हैं उनको एक वॉल्यूम भी मिल रहा है। बट गाइज आप देख सकते हैं कि ये जो हाई टॉप मस्कारा है मार्स का, ये आपके लैशेज को बहुत ही खूबसूरती से सेपरेट करता है, बिल्कुल भी लैशेज को क्लम्पी नहीं बनाता है। बट यहां पर अगर मैं फैब्यूलैश मस्कारे की बात करूं तो ये थोड़ा सा जैसे क्लम्पी कर देता है आपकी लैशेस को, बट इससे वॉल्यूम और लेंथ बहुत खूबसूरत नजर आती है आपकी लैशेस की। ऑलराइट गाइस अभी हम इस हाई टॉप मस्कारा का वाटर टेस्ट करने वाले हैं। सो यहां पर मेरे पास एक बहुत ही छोटी सी एक स्प्रे बॉटल है और इसके अंदर सिर्फ पानी है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और यहां पर मेरे पास एक कॉटन स्वैप है, यहां पर आप देख सकते हैं। सो लेट्स सी कि ये कितना ब्लीड होता है। एक बार फिर से स्प्रे करते हैं, आप देख सकते हैं कि मैंने 2-3 स्प्रे किए हैं और ब्लीड तो नहीं हो रहा है कहीं से भी। सो एक बार फिर से स्प्रे करते हैं,
सो मैंने आपके सामने ही इसे स्प्रे किया है, तो ये ब्लीड तो कहीं से भी नहीं हो रहा है और मेरे हाथ बिल्कुल क्लीन है। और अगर मैं इसे हल्का सा टच करूं, ये बहुत ही इजीली रिमूव हो रहा है। और यहाँ पर मेरे पास कॉटन स्वैप, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन है। और मैं हल्का सा अगर इसे इस तरीके से डैप करूं तो आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही हल्का सा डैप किया है और आपके सामने ही मैंने डैप किया, और तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसफर हो रहा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये ट्रांसफर हो रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मैं बहुत ही हल्का हल्का कर रही हूँ गाइस, मैं बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दे रही हूँ, मैं बहुत ही हल्का हल्का सा इसे स्वाइप कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि कितनी इजीली ये जो मस्कारा है ये निकल गया है। फैबुलश मस्कारा पर आपको वाटर टेस्ट करके दिखाऊं तो राइट नाउ मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी पानी स्प्रे नहीं किया है, अभी मैं आपके सामने ही स्प्रे करने वाली हूँ। और मैंने अच्छी खासी 3-4 स्प्रे करी हैं, आपके सामने ही मैं इसे डैप कर रही हूँ और बिल्कुल भी ब्लीड नहीं कर रहा है। थोड़ा सा और पानी डालेंगे और मैंने अच्छा खासा पानी डाला है आपके सामने ही, थोड़ा से प्रेशर दूं तो आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का ये भी ब्लीड होना स्टार्ट हो गया है, बट उतना ब्लीड नहीं हो रहा है जितना कि हाइट ऑफ मस्कारा हो रहा है। ये देखिए ब्लीड ये भी होता है, ये भी बिल्कुल भी वाटरप्रूफ नहीं है। ऑलराइट गाइस, आपने इसका एप्लीकेशन और इसका वाटर टेस्ट दोनों देख लिए हैं और देखकर आपको पता चल चुका है, बट स्टिल अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पूछो तो गाइस प्राइस के मामले में ये दोनों मस्कारा सेम है, बट जो फैबुलश मस्कारा है इसमें आपको 12 ml ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, बट इसके अंदर आपको 10 ml ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि 2 ml प्रोडक्ट आपको इसमें कम मिलता है। ऑल्दो ये दोनों ही मस्कारा मैंने टेस्ट किए हैं, दोनों ही वाटरप्रूफ नहीं है, जब आप इन पर पानी डालते हो तो ये निकलना स्टार्ट हो जाता है, बट ये इजीली नहीं निकलता है। बट गाइस ये जो मार्स का हाइट ऑफ मस्कारा है ये इजीली आपकी आंखों में से निकलना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट गाइस, अगर इफेक्ट की बात की जाए तो ये जो पर्टिकुलर मस्कारा है ये आपकी लैशेस को लंबा तो जरूर दिखाता है, बट फुलर लैशेस नहीं दिखाता है ये। बट अगर फैबुलश मस्कारा की बात की जाए तो इसके एक कोट से ही आपकी लैशेस बहुत फुलर लगती हैं, बहुत ही वॉल्यूम लगता है, बहुत लेंथ प्रोवाइड करता है। तो अगर इन दोनों में से एक मस्कारा चूज करने की बात की जाए तो मैं डेफिनेटली फैबुलश मस्कारा को ही चूज करूंगी। ऑलराइट गाइस, आई होप कि आज का ये छोटा सा रिव्यू आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। सो जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।